जमूर रे, तेरी बुद्धि कैसे हो गई मंद? क्यों की अकल की सारी बातें इस बोरे में बंद? तो चल मेरे छोरा, खोल दे ज्ञान का बोरा। लेकिन हजूरे आला, इस पर तो लगा है ताला। अरे क्या चीज है तेरे लिए छोटा सा ये ताला, जोर लगा के तोड़ दे मेरे लाला। इसे मैं खोलता हूँ। खगा की चाबी से खुल जाए ज्ञान का ताला, शिक्षा सबको मिले छटे अज्ञान का बादल काला, बच्चे बूढ़े पढ़े पढ़े बालक और बाला, शिक्षा बन जाए जनता का बरछी भाला। नहीं बपौती नहीं विरासत, शिक्षा पैसे वालों की, सबको शिक्षा मिले हटे जहालत सदियों सालों की। गिली 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 फू। तुम्हारी पढ़ाई पूरी है गई, कल से तो दूसरी औरतें आना शुरू करेंगी। और मैं क्या करूंगी? अब तू महिला समिति में काम करेगी, संगठन को मजबूत बनावेगी, संघर्ष को आगे बढ़ावेगी। इसीलिए तो आज ये दो शब्द सिखाए हैं मैंने, संगठन और संघर्ष। याद है एक दिन मैंने बताया हा कि मेरे मायके में सुशीला मौसी पढ़ा रही हमें? हाँ याद है। जिस दिन हमने जे किताब पढ़ने पूरी की ही, उन्होंने हमें जे दो शब्द सिखाए हैं, संगठन और संघर्ष। और जानती है क्या कया हा? कया हा कि इन्हें गांव बांध लो। और इसीलिए आज तुम्हारी पढ़ाई पूरी होने पे मैंने भी तुम्हें जे दो शब्द सिखाए। ये दो शब्द पूरी जिंदगी तुम्हारे काम आएंगे। पूरी जिंदगी? कैसे माती? आज जब महिला समिति की मीटिंग में आवेगी तो सब समझ जाएगी। वहां किसान सभा के लीडर भी आवेंगे, खेत मजदूर यूनियन वाले भी। बड़ा भारी जलसा होगा। भावी पढ़ाई होगी? नहीं, पढ़ाई नहीं होगी, पढ़ाई से भी आगे की बात होगी, संगठन की, आंदोलन की। अच्छा तू जा, और हाँ सारे घर वालों को लेके आई हो? सब आएंगे मौसी, सब आएंगे। आपको हैरानी है रही है ना, कल तक मुश्किल से हिज्जे कर करके पढ़ने वाली मूर्ति का जी काया कलब कैसे है गया है? हैरानी तो कभी कभी मुको खुद ही होवे। कल किसी बात लगे है, जब सुशीला मौसी की यहां पढ़ाई पूरी की, आज पूरे 4 बरस हो गए उस बात को। कितना कुछ है गया इन 4 बरस में। हमने 4 प्लॉट शिक्षा केंद्र और खोले गांगरोली में, एक में मैं पढ़ाती, एक में कौशल्या, एक में गीता, और एक में पता है कौन? मेरी अम्मा सोना दे। आज आप उससे मिलो तो पहचानो ही ना। अगले साल 3 और खुले, अब तो पूरे 10 है गए। वहां से मैं यहां आई, ब्याह है गया है ना मेरा, कमला मौसी ने कराया है रिश्ता,
मजूरी करे है मेरा घर वाला, सेक्रेटरी है वो खेत मजूर यूनियन का। सो जब यहां आई ना तो मैंने ही पहला केंद्र शुरू करा है। आज औरतों का पहला दल पढ़ाई पूरी करके निकला है और दूसरा आने को तैयार बैठा। महिला समिति भी बनाई मैंने। 4 साल पहले तो मैं जी सोच भी ना सके ही कि इतना कुछ है जाएगा। अच्छा याद है जी सब कैसे हुआ? उषा बहन जी जब गांव में बस आई आई ही, मैं अम्मा के साथ बनवारी को लिए स्वास्थ्य केंद्र में गई ही। उस दिन मैंने एक बात कही। कौन सी क्लास में पढ़ती है? जे ना पढ़ती। क्यों, बड़ी लड़की है? इतनी भी बड़ी नहीं है, मैंने तो इससे भी बड़ी बड़ी लड़कियों को स्कूल जाते देखा। जे मत करना है मेरा, मैं कह रही थी सब में बड़ी लड़की है। तो क्या बड़ी लड़की को स्कूल नहीं भेजते? जे बात ना है। तो फिर? बस जी, बड़ी लड़की है, घर के काम में हाथ बटावे है, बालकन को संभाले है। इसको भी स्कूल भेज दूं तो मैं तो इकली पड़ जाऊंगी। तो प्रौढ़ शिक्षा केंद्र भेजो, दिन में कम 2-1 घंटे तो निकाल ही सकती है। सोचना इस बारे में, कौशल अभी तो जाती है वहां। अरे समझ लिया, छोरा को दवाई कैसे लगानी है। अम्मा ने बात बदल दी, पर मेरे भेजे से उषा बहन जी की वो बात ना निकली। काम में पढ़ी लिखी औरतें ही गिनती की, उन्हें देखती तो मेरा भी मन करता कि मैं उनके जैसी बन जाऊं। कमला मौसी को देखती तो मेरे बदन के रोए खड़े हो जाते। कितनी दिलेर, कुआं में जब वो कुत्ता गिर पड़ा है तो कैसे आनंद फानंद में इकट्ठा करा पूरे मोहल्ले को, और कैसे डंके की चोट पे ठाकुर बामनू के कुआं से पानी भरवा लाई। मैं तो देखती रह गई। अरे देरी मत कर, जल्दी रहमान के ठिए पे पहुंच ले, समय इकट्ठी आ रही है। आ जा आ जा। अरे चल रही है ना, काम खत्म कर, जल्दी आ जा। आ पहुंच पहुंच, मैं चल रही हूँ। मने कर दी ना? हाँ, वो तो आपके सकल से ही पता चल रहा है। मुझे तो यासीन ने बताया कि आप ठाकुर साहब के सामने हाथ फैलाने गई। दीदी जब हमने अपने लिए भीख ना मांगी तो आप कैसे चली गई? कमला, कमला मैं भीख मांगने नहीं गई थी, मैंने तो सोचा था कि मैं उन्हें समझा पाऊंगी। बेकार है उन्हें समझाना, दीदी हमारी समझ में आ गई है ना बात, बस इतना काफी है। अरे हम तो ऐसे ही ले आएंगे बगैर किसी से पूछे। क्या? हाँ दीदी, सारी औरतें इकट्ठी है रही हैं, किसान सभा वाले भी और खेत मजदूर यूनियन वाले भी, सब जात के लोग इकट्ठे है रहे। अरे दीदी, गरीब का साथ गरीब ही देता है, अब तुम देखना सब लोग मिलकर जाएंगे। ठाकुर पाड़े से भी पानी आएगा और बावन मोहल्ले से भी, दोपहर से पहले सब घरों में पानी पहुंच जाएगा, नहीं तो मेरा नाम भी कमला ना है। दीदी तुम इतना घबरा गई कि मुझे बुलाया तलक नहीं, उन नवाबों के पास पहुंच गई। अरे हमें इतना कमजोर मत समझो दीदी, हमें आता है अपना हक कैसे लिया जाता है। कमला मौसी को मैं देखती और देखती ही रह जाती, बाद में उसी के बूते पे मैं पढ़ने जा सकी। मेरे बाबू भी अगर किसी से घबराते हैं ना तो कमला मौसी से। बस आ गई एक दिन दिन बनाती हुई, और जब तक बाबू से हाँ ना करवा ली हिली ना। बाद में बाबू मेरे पे गुस्सा तो बहुत हुए, पर मान तो गए ही। कमला कितनी बात सुना गई मुझे, जैसे मैं तेरा दुश्मन हूँ। अरे मूर्ति, मैं तो तेरा बुरा चाहने लगा। अरे तू 2 हरूफ पढ़ ले अच्छा ही है, मेरा क्या जाएगा। पर तू खुद ही देख बेटी, तेरी माँ हर वक्त बीमार रहवे है, भारी काम उस पे होवे ना है, मुन्ना भी छोटा है। तू सबसे बड़ी लड़की, इस घर की देखभाल ना करेगी तो इस घर में तो कुत्ते लौटेंगे। कल को तेरा ब्याह होगा, तू ससुराल जाएगी,
अरे तू वहां जे सब कुछ चलेगा कभी ना, तेरा ये काम धाम छोड़ के तेरी बाहर रहने की आदत पड़ गई तो ससुराल में बहुत दुख उठाएगी बेटी, सुन रही है ना? एक डेढ़ घंटा ही तो हुए है क्लास। का कही? अरे जोर से बोल। एक डेढ़ घंटा ही तो हुए। अरे कमला की सुनी सुनाई मुझे मत सुना, वो भी एक डेढ़ घंटा कह के मेरा भेजा चाट गई। अरे इस एक डेढ़ घंटे में मुन्ना को कौन संभालेगा? मैं साथ ले जाऊंगी बाबू। ओ सुशीला मौसी कह रही थी कि साथ ही ले आया कर, आज भी मैं लेके गई थी ना तो रोया ना था। ठीक है कर तू अपनी मर्जी मेरी भला से। इधर मैंने पढ़ना शुरू करा, उधर गांव में महिला समिति बनी, शहर से कालिंदी बहन जी आई, उन्होंने कमला मौसी को जो बातें समझाई वो सारी बातें तो मेरी खोपड़ी में ना पड़ी, पर हाँ असली बात मैं समझ गई। औरत की तो दोहरी गुलामी है रमेश भाई, काम पे मर्द के साथ वो भी गुलामी करती है दौलत की, अपनी हड्डियां तोड़ती है और घर में तो गुलामी करती ही है। अरे मर्द तो आके पांव पसार के बैठ जाता है, चौका चूल्हा धुलाई सफाई सब औरत के जिम्मे ही है ना। ये बात इन मर्दन को समझाए कोई, औरतों को भी समझानी होगी कमला। बहन जी औरतें तो पहले ही समझी समझाई बैठी, अरे जो झेलता हो ऐसे पता हो। कहां समझे बैठी है कमला बता तो जरा, अपनी किस्मत का लेखा मानती है नहीं तो अपना धर्म, और अपनी बहू बेटियों को भी यही समझाती हैं। इसीलिए कहती हूँ रमेश भाई, औरतों की गुलामी मर्द की दया से दूर नहीं होगी, औरत और मर्द दोनों को मिलकर अपने को आजाद करना पड़ेगा। बस यही बात सामने रख के कमला मौसी ने महिला समिति का काम शुरू करा, हम भी साथ लग लिए। कितनी हिम्मत बंधी है काम की औरतों की, ऐसी ऐसी औरतें सामने आई जिसके बारे में कभी किसी ने सोचा भी ना। जब ठाकुर साहब के डर से मास्टर उमर इलाही ने सिलाई सिखाने से इनकार कर दिया तो बड़ी मुश्किल पड़ गई, किसी को कुछ सूझ ही ना रहा कि क्या किया जाए। ऐसे में रशीदा भी, हाँ उमर इलाही मास्टर की घरवाली, वो सामने आई जिसे आज तक किसी ने घर से बाहर कदम रखते ना देखा। जरा सोचो तो, सिलाई के अंदर तो अब खत्म ही समझो। बब्बू है हमारे लोग। ना रे आसी, बब्बू नहीं है, वक्त आने पर जे लोग शेर भी बन सके। एक बार इनके भेजे में जे बात बैठनी चाहिए कि तुम्हारे किए से कुछ है सके, और यही बात हमें समझनी है कि उमर चचा जैसे लोगों को कैसे समझावे कि तुम कमजोर नहीं हो। पर कमला केंद्र का क्या होगा? केंद्र खुलना तो अब इज्जत का सवाल है या सुशीला, केंद्र खुलेगा जब भी लोगों के दिमाग से ठाकुर का डर निकलेगा, केंद्र तो अब हर कीमत में खुलेगा। अरे पर चलाएगा कौन? मैं चलाऊंगी, बड़े मियां को होगा खौफ ठाकुर का, इन्हें पुश्तों से अंगूठी तले दबा के रखा है इन्हें, उनकी रगों में होगा ठाकुर का नमक। पर मैंने हमेशा अपनी मेहनत की कमाई खाई है, मैं न डरूं उस मूल भवानी से। हाँ कमला बेटी तू बेफिक्र होके जा, किसी भी लड़की को भेज देना मेरे पास, हफ्ते भर में पक्की दर्द न बना दिया तो थूक देना रशीदा बी के नाम पर। हाँ नहीं तो बड़ी बी, आपका दिमाग तो नहीं चल गया? हाँ मेरा दिमाग चल गया है, जंग खा रहा था इतने बरस घर में पड़े पड़े। जाओ करो चुगली अपने आका ठाकुर से, करो शिकायत मुल्ला जी से, कह दो मेरी बुढ़िया पगला गई है, कह दो उसने बगावत कर दी है आपके नमक के खिलाफ। कहां से आई इतनी ताकत इतनी हिम्मत रशीदा बी में? हम सब हैरान थे, ऐसे लगा मानो बरसों से दबी हुई कोई आग फट पड़ी हो। मैंने सीखी सिलाई रशीदा बी से और फिर खूब चला सिलाई के अंदर धड़ल्ले से, ठाकुर और कामता तो देखते के देखते ही रह गए। ऐसे ही एक बार और हुआ, ठाकुर ने बेचारे रहमान चचा को सबके सामने जलील करा। मैं शर्फी के पास गई भी दूध पिलाने वाली माँ के खाने का सिलेंडर बना के। देखो जी मूर्ति मेरे लिए क्या लाई है। लाई होगी कुछ, मुझे ना देखना। अरे ऐसे क्यों कह रहे हो, देखो कितना सुंदर सिलेंडर बनाया है।
जेल का मजाक है। अरे क्या है गया तुम्हें? जे 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 है गया मुझे। जे क्या किया तुमने? मूर्ति का कैलेंडर क्यों फाड़ दिया? पागल है गए हो क्या? नहीं मैं पागल नहीं है क्या हूं, ये है पागलपन, झूठ है, बकवास है सारा का सारा। कहां से आएगी सब्जी तरकारी? आकाश से उतरेगी या तेरी उषा भंजी दे जाएंगी? कहां से आएंगे जे मांस मच्छी अंडे, जे दूध शक्कर और चीनी? ये सब चीजें दिखाकर हम गरीबों का मजाक उड़ाना चाह रहे हैं। जे लोग नहीं देखने हमें ये सपने, सौगातों के झूठे कैलेंडर। जैसे हमारे बाप दादा ने रूखी सूखी खाई है हम भी खा लेंगे, जैसे हम लोग बड़े हुए हैं हमारे बच्चे भी गुजारा कर लेंगे। नहीं नहीं पलेंगे ऐसे हमारे बच्चे, नहीं करेंगे हम रोटी के टुकड़ों पे गुजारा। हमें भी ये सब चीजें चाहिए, अशर्फी को भी चाहिए ये सारी चीजें। वो भी मेहनत करती है, उसे भी हक है इन सब चीजों का। उसकी बच्ची को भी चाहिए ये सारी चीजें, खाने की पहनने की, और उसे ये सब मिलना चाहिए। चचा ये गलत ना है, ये सही है चचा, ये सही है, ये झूठ ना है चचा, एकदम सच है, ये सच है। अगर सच है तो क्यों ना मिलता हमें? हम क्या मेहनत ना करते? बोल बता क्यों ना मिलता हमें? तो उससे ये गलत नहीं है गया चचा, ये सही है, ये हमारी किताब में लिखा है। हाँ ये बिल्कुल सही है, ये मुझे उषा बहन जी ने बताया है, बिल्कुल सही है जी चचा, ये बिल्कुल सही है। गलत होगी तो ये दुनिया, ये गरीबी, ये भूख, लेकिन ये सच्ची बात है चचा, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। कैसे चिल्ला पड़ी थी मैं? कभी आपने सोचा कि मेरे जैसी तब्बू घर घुसनी लड़की में इतनी हिम्मत आई कहां से? उसके मुंह का दिमाग का ताला खुला कैसे? मैं बताती हूं, एक तो पढ़ाई ने मेरी आंखें खोली, और दूसरे महिला समिति में संगठन में काम करके मैंने सीखा कि जो बात सही है उसके लिए चाहे लड़ना भी पड़े तो लड़ो, चाहे किसी को अच्छा लगे या बुरा। कितनी बातें हैं, कहां तक बताऊं? मुझे तो बस अशर्फी का लिखा वो गाना बार बार याद आवे है, पढ़ लिख ही किस्मत को बदल पाएगी औरत, पढ़ लिख के साथ मर्द के चल पाएगी औरत। मेरा बस चले तो सारी औरतों को जिगाना सिखा दो, सारी माँ से कह दो कि अपनी बेटियों को पालने से ही सिखाओ जिगाना, खुट्टी में पिला दो। पढ़ लिख के ही किस्मत को बदल पाएगी औरत, पढ़ लिख के साथ मर्द के चल पाएगी औरत, औरत जो पढ़ गई तो वो दबकर न रहेगी, हरगिज नए समाज के जुल्मों को सहेगी। पढ़ने के हक को पाने की औरत ने है ठानी, औरत की कहानी है ये औरत की जुबानी, औरत की कहानी है ये औरत की जुबानी, औरत की कहानी है ये औरत की जुबानी, औरत की कहानी है ये औरत की जुबानी।